नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। सबसे पहले हम बात करेंगे कंडम बसों के बारे में। जी हां, जींद में रोडवेज ने कंडम खड़ी बसों को फिर से सड़कों पर उतारने का फैसला लिया है, जिसमें 140 बसों की मरम्मत कर उन्हें फिर से सड़कों पर उतारा जाएगा। जींद डिपो में फिलहाल 140 कंडम बसें खड़ी हैं, जो कि चलने की हालत में नहीं है और उनकी समय सीमा भी पूरी हो चुकी है, जिसको लेकर जींद डिपो ने रोडवेज निदेशालय को लेटर भेजा है, जिसमें इन कंडम बसों का सर्वे करवाने को कहा गया है। पिछले 8 साल की बात करें तो रोडवेज में 35 नई बसें ही आई हैं, इनमें से 5 मिनी बस हैं। जिन डिपो में फिलहाल 101 रोडवेज बसें हैं और डिपो को लगभग 100 बसें और चाहिए। हमारी पिछले 8 साल में 140 बस कंडम हो चुकी हैं, जिनको अगर मुख्यालय का मार्गदर्शन मिलता है तो उसमें से जो बस रूट पर चलने लायक हैं उनको तैयार करके हम मार्ग पर उतार सकते हैं। साल हमें कोई बस नहीं मिली, 2017 में 30 बस हमें मिली थी और 2020 में 5 मिनी बस मिली थी छात्राओं के लिए, उसके बाद हमें कोई नई बस नहीं मिली। तो सरकार ने कंडम खड़ी बसों को सड़क पर उतारने का फैसला लिया है। बसों को का पहले मरम्मत होगा और उसके बाद बसों को सड़क पर उतारा जाएगा। जींद से यह खबर सामने आई है, जहां पर सरकार की ओर से लेटर भी भेजा गया है रोडवेज डिपो में, और जो कंडम बसें हैं, बसें खराब हो चुकी हैं, उनकी मरम्मत करने को कहा गया और मरम्मत के बाद बसों को सड़क पर उतारा जाएगा। रोडवेज अब पुरानी बसों को, जो बेकार हो चुकी हैं, खस्ता हाल हैं, रिटायर होने हो चुकी हैं बसें, उनको अब फिर से ठीक करके बेड़े में शामिल करेगा और अब फिर से सवारियां उन पर ढोई जाएंगी। 140 बसों को रिपेयर किया जाएगा और रिपेयरिंग के बाद ये बसें सड़कों पर उतरेंगी। सरकार ने पुरानी बसें जो कंडम हो चुकी हैं उनको रिपेयर करा के सड़कों पर उतारने का फैसला लिया है और जींद डिपो में इसके लिए लेटर भी भेज दिया गया है। एक सौ चालीस बसों को रिपेयर किया जाएगा और बसें सड़कों पर उतार दी जाएंगी। जींद से यह खबर सामने आई है, जहां पर रोडवेज डिपो में कंडम बसों को सड़क पर उतारने की तैयारी की जा रही है। बसों की मरम्मत की जाएगी, उनकी रिपेयरिंग होगी, उनको ठीक किया जाएगा और उसके बाद बसें सड़कों पर आएंगी और फिर से उसे सवारियों को ढोने का काम लिया जाएगा। खबर जींद से है, जहां बसों को, रोडवेज बसों को, जो बसें कंडम हो चुकी हैं, रोडवेज बेड़े में शामिल जो बसें कंडम हो चुकी हैं उनको अब सड़कों पर उतारने की तैयारी हो रही है। सरकार की ओर से रोडवेज को पत्र लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि बसों की मरम्मत की जाए, बसों को ठीक कराया जाए और उसके बाद बसों को सड़कों पर उतारा जाए, ये बसें फिर से एक बार सवारियां ढोने के काम में आएंगी। जो बसें कंडम हो चुकी हैं, रिटायर हो चुकी हैं, सरकार अब उन्हीं बसों को फिर से दोबारा मरम्मत उनकी कराएगी, उन्हें ठीक करवाने का काम होगा और उसके बाद ये बसें फिर से सड़कों पर आएंगी। जानकारी यह भी सामने आई है कि 8 साल में रोडवेज को मात्र 35 बसें मिली हैं, जींद रोडवेज को मात्र 35 बसें मिली हैं और जिनमें से 5 बसें मिनी बस हैं, जिसके चलते डिपो में बसों की कमी हो गई है। करमजीत पवार हमारे परमजीत पवार हमारे संवाददाता
इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी परमजीत, रोडवेज बसों को, रोडवेज जो कंडम बसे हैं उनको सड़कों पर उतारने की फिर से तैयारी हो रही है, क्या कुछ अहम जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखिए जो पूरे जींस जिले की बात की जाए तो 140 बसें वो कंडम हो चुकी हैं जिसको अब दोबारा से जो है सड़कों पर उतारा जाएगा और जो लोगों की सफर के लिए उनको जो है रोड पर उतारा जाएगा और लोगों को इसका काफी लाभ होगा। हालांकि अभी की बात की जाए तो कंडम रोड बसे हैं उनका या जो वर्कशॉप है उनमें जो है कार्यरत है उनका वहाँ पे जो है जो बसें टूटी फूटी है उनका वहाँ पे जो है रिपेयरिंग का काम चला हुआ है तो तमाम जो बसें हैं वो सड़कों पर दौड़ेंगी। और हालांकि देखिए 5 मिनी बसें और 35 जो बसें वो मिली, हालांकि पिछले 5 साल की बात की जाए तो अभी तक कुछ बसें नहीं मिली हैं और जो वहां के अधिकारी हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि अब ये जो बसें दौड़ेंगी तो उनसे जो लोगों को काफी लाभ होगा जो यात्री हैं। तो जींद से यह खबर है जहां पर कंडम खड़ी रोडवेज की बसों को फिर से उनका मरम्मत होगा और उसके बाद उन्हें फिर से सड़कों पर उतारा जाएगा। जो बसें पुरानी हो चुकी हैं मरम्मत के बाद एक बार फिर से वो सवारियों को ढोने का काम करेंगी। तो एक बात बता दूं क्योंकि जो डीजल की जो वाहन होता है उसकी जो 10 साल की वैल्यू होती है रोड की और देखिए अगर वो 10 साल के बाद जब एक्सपायर हो जाता है तो उसको जो है रोड पर नहीं सड़क पर नहीं जो है छोड़ा जाता। लेकिन ये जो बसें हैं ये गांव में चलेगी, हालांकि जो इनकी एक्सपायरी डेट है वो 15 साल है। हालांकि जिन बसों की एक्सपायरी डेट 15 साल हो चुकी है उनको नहीं निकाला जाए रोड पर नहीं जो है निकाला जाएगा। हालांकि अभी वहां पर रिपेयरिंग का काम चला हुआ है जिससे यात्रियों को काफी फायदा होगा और तमाम तरह की जो मूल सुविधा है वो यात्रियों को मिलेंगी। देखिए जो ये बसें हैं ये जो गाँव है उन जो गाँव से जो छतरे आती है उनको यहाँ पे कुछ दिन लगे काम करेंगी। और देखिए पहले की अगर बात की जाए तो और भी जो जो यहाँ के अधिकारी उनका ये कहना है कि और भी नई बसें अब जींद रोडवेज में शामिल की जाएंगी। जी परमजीत, ये जो रोडवेज की बसें हैं ये जो कंडम बसों को सड़क पर उतारने के लिए सिर्फ जींद में ही इस तरीके की तैयारी हो रही है या प्रदेश के किसी और डिपो से भी ऐसी खबर आई है? देखिए मैंने जब जो वहां के अधिकारी थे उनसे बात की तो उनके साथ मेरा कहना था कि फिलहाल जो है हम जींद की बात करेंगे तो जींद में जो कंडम जो बसे हैं उनको रिपेयरिंग काम चला हुआ है तो बहुत जल्द, हालांकि इन्होंने चंडीगढ़ मुख्यालय को पत्र लिखा है जब उसका जवाब आएगा तो तब वो जो जो बसे हैं जो कंडम हो चुके हैं उनको रिपेयर करके सड़कों पर एक बार दोबारा से जो है बसे दौड़ेंगे और यात्रियों को इसका लाभ होगा। जी ये जो बसे हैं ये कुल कितनी बसें हैं? देखिए 140 बसें हैं जो कंडम हो चुकी हैं। हालांकि बात की जाए जींद जिले में तो 140 जैसी बसें हैं जो कंडम हो चुकी हैं और कंडम बसों को जो है अब रिपेयर करके दोबारा से जोड़ा जाएगा। हालांकि देखिए मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि जींद रोडवेज में जो है जींद की बसों का टोटा है, हालांकि गुड़गांव जींद जो है जो नई बसें हैं वो पेंट हो रही है। हालांकि अभी तक जो है जींद जिले को कोई ऐसी बस नहीं मिली है लेकिन अभी नई उम्मीद जो है जताई जा रही है कि नई बसें जो है जींद रोडवेज में शामिल की जाएंगी। लेकिन ये तो अभी टाइम लगेगा कब वो शामिल होती है, लेकिन अभी की बात की जाए तो जो जैसे जो गांव के सफर है लोकल रूट है उन पर ये बसें दौड़ेंगी। हालांकि देखिए डीजल का जो वाहन होता है उसकी जो एक्सपायरी डेट होती है वो 10 साल की होती है या 15 साल की होती है, लेकिन जिनके एक्सपायरी डेट हो चुके हैं वो जो कंडम है ही है, लेकिन दूसरी जो बसें 5 मिनी बसें भी जो है जींद में मिली है तो वो भी तो लोकल चलेंगी। जी इन बसों को किन किन रूटों पर उतारने की तैयारी हो रही है? देखिए जैसे गांव की बात की जाए यहाँ पे गांव है सामलो गुरुद है सामलो है जुलाना है अलेवा है तो जो लोकल रूट है वो प्रभावित हुआ क्योंकि बसों का टूटा हो गया है रोडवेज को और जिसके चलते अब ऐसा ये जो है कदम उठाना पड़ेगा क्योंकि बस नहीं है तो रोडवेज को लगातार घाटा हो रहा है। तो अब इसको देखते हुए जो है नई जो पुरानी बसें हमको रिपेयरिंग करके एक बार फिर से सड़कों पर बस जिसको यात्रियों को काफी लाभ हो।